फर्जी महिला दरोगा बनकर वसूली करने वाली रेखा तिवारी को आज गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मूलतः ये कुशीनगर की रहने वाली थी और लरिया थाना अंतर्गत सरहरी चौकी के अंतर्गत ये इर्द गिर्द घूमती थी और व्यापारियों का उत्पीड़न करके पैसा लेती थी। दुकानदारों को दरोगा का रौब दिखा के पैसा लेती थी। इसके साथ एक महिला भी चलती थी जिसको ये सिपाही बताती थी। आपको बता दें कि पूरी तरह से फर्जी रूप से यहाँ पे रहती थी और लंबे समय से इसको पुलिस की तलाश थी। कहीं न कहीं देखा जाए पुलिस इसको तलाश कर रही थी और जब इसको पाया तो फर्जी दरोगा की पोल खुल गई। ये महिला लंबे समय से व्यापारियों से पैसा फर्जी दरोगा बनकर पैसा वसूली करती थी। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक यही नहीं आपको बता दें कि रेखा तिवारी किराए पे कमरा लेके रहती थी और रेखा तिवारी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जब यह बात पता चल गया था उसके बाद वो किराया कमरा खाली करके दूसरे जगह किराए पे कमरा लेके रहने लगी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस के शक और लोगों के शक को देखते हुए वो वहां से अपने दूसरे ठिकाने को तलाश ली थी और वही काम फिर सरहरी चौकी के इर्द गिर्द जो व्यापारी थे, जो छोटे दुकानदार थे, उनसे दरोगा का रौब दिखा के वसूली करती थी और उनसे प्रताड़ित करती थी। साथ में एक महिला को लेकर चलती थी जिसको एक महिला सिपाही बताती थी। आज उसको गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गोरखपुर के गुलहिया थाना क्षेत्र में एक फर्जी दरोगा महिला पकड़ी गई है, क्या कुछ कैसे रिपोर्ट मिला, किस तरह से पकड़ी गई और कहां की रहने वाली? कल प्रातःकाल में एक मुखबिर खास से थाना गुलहिया को सूचना मिली कि एक महिला रेखा कुमारी है, रेखा तिवारी, जो यहां पे दरोगा की वर्दी पहन के घूमती है लेकिन वो वास्तव में हाव भाव से चार चलन से दरोगा नहीं है लेकिन दरोगा विध्वंस दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने का और देह व्यापार इस तरह की तमाम ऐसी अलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व है। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर शशिभूषण राय द्वारा मौके पर जब जाकर सत्यापन करवाया गया तो पता चला कि वो महिला अपने एक साथी अन्य महिला के साथ में, जिसको कांस्टेबल बताती थी, जो साथी कपड़ों में रहती थी और रेखा तिवारी है, ये प्रॉपर पुलिस की यूनिफॉर्म में रहती थी, इन दोनों से सघन पूछताछ में पता चला कि कभी भी ये पुलिस विभाग द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। एक फर्जी दरोगा बन के और फर्जी कांस्टेबल बन के ये लोग घूमते थे और थानोबाई करते थे। इनके खिलाफ थाना गुलेरिया द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन लोगों को जेल भेजा गया। सर कब से ये काम कर रही थी वो कुछ पता चल पाया है? ये पिछले करीबन 5-6 महीनों से थाना गुलेरिया क्षेत्र में एक्टिव थी और ये मुख्यतः दूर दराज के गाँव वगैरह ऐसी जगहों पर जाके ये अपनी गतिविधियाँ संलिप्त रहती थी ताकि पुलिस की नज़र से बच के रह सके लेकिन समय रहते इसकी सर कुछ पूछताछ में पता चला इसके साथ और भी लोग थे या फिर इस तरह से काम कर ये अपना छोटा मोटा गुजर बसर का जो काम है वो इस ध्वंस जमा के दिखाती थी और उससे जो है जीविकोपार्जन करती थी लेकिन अभी मुझे